नमस्कार दोस्तों, मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर यादव पर। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी एंजॉय किया होगा ट्रेडिंग को, और आप देख सकते हैं कि कैसे सारे जो स्पेकुलेशंस थे या जो भी हमारे मन में शंकाएँ थी कि ऊपर जाएगी निफ्टी, नीचे गिरेगी, सपोर्ट लेगी नहीं लेगी, हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, वो सब चीज़ें एक दिन में ख़त्म हो गई और निफ्टी कंफर्टेबली अपने सब रेजिस्टेंसेज को ब्रेक करके एक ऐसी पोजीशन पर आकर रुक गई है जहाँ से हम बोल सकते हैं कि हाँ, एटलीस्ट ये गिरने वाली नहीं है अभी। ठीक है, हालांकि कुछ नहीं बोल सकते हैं, किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इतना कुछ होने वाला है, बट निफ्टी ने जैसे परफॉर्म किया काफ़ी मज़ा आया उस दिन ट्रेडिंग करके। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, और अब मंडे को थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा क्योंकि जब इतने बड़े मूवमेंट्स आते हैं तो फिर इतना बड़ा मूवमेंट था कि हो सकता है कि 10-5 दिन के लिए निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज हो जाए। ठीक है, और आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने इससे पहले जहाँ तक मैं एक साल में देख सकता हूँ कभी भी इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा कोशिश रहिएगा मंडे को, एकदम से कूदने की कोशिश मत कीजिएगा मार्केट में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि एक्सेल फाइल कैसे प्रिपेयर करें ताकि हम लोगों को इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन में थोड़ी हेल्प मिल जाए और हम लोगों को एक एक स्टॉक को जाके ना देखना पड़े, और हमें कुछ स्टॉक्स ऐसे मिल जाएं जिनको हम फिल्टर करके जल्दी से एनालाइज करके और अपनी नेक्स्ट डे की वॉच लिस्ट रेडी कर सकें। तो देखिए, मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये जो एक्सेल फाइल में बनाने का तरीका जो बता रहा हूँ, ये एकदम ऐसा नहीं है कि आप इसको फॉलो करके आपको स्टॉक मिल जाएगा, इसमें इस लिस्ट में जो भी स्टॉक आएंगे वो ट्रेड करने ही करने, एनालिसिस मैंडेटरी है। ये आपको सिर्फ एक हेल्प करेगा कि आउट ऑफ लेट्स से वी आर वर्किंग ऑन निफ्टी 50, तो निफ्टी के 50 के 50 स्टॉक को एनालाइज ना करके जो 10-5 स्टॉक आपके मेथड के हिसाब से आपको फिट मिलते हैं उनको आप यूज कर सकें और उनको आप एनालाइज करके ट्रेडिंग कर सकें। तो मैं शुरू करता हूँ, मैं उससे पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरी फाइल है जो मैं मोस्टली यूज करता हूँ। ये एक दिन में नहीं बनी थी, इसको बनाने में मतलब 2-3 महीने लग गए थे। 2-3 महीने मतलब इम्प्रोवाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, कि मुझे जिस जिस चीज़ में कमी महसूस होती गई मैं उसको इम्प्रूव करता गया, कुछ नई चीज़ें ऐड करता गया, जो कुछ चीज़ें मैंने पहले ऐड की थी उनको मैं हटाता चला गया। ठीक है, तो इस तरह करके ये मेरी अभी जो फाइल बनी हुई है इसको मैंने काफ़ी दिन से चेंज नहीं किया, ऑलमोस्ट 3-4 महीने से, तो इसको मैं यूज कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही, अभी मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं आप उस चीज़ को, बट पर्टिकुलर ऐसी फाइल बना, क्योंकि मैं आपको ये फाइल दे भी दूंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा कि इसमें से क्या चूज करना है, क्या नहीं करना, क्या हमें निकालना है, किस कॉलम का क्या मीनिंग है, तो वो सब चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी। तो मैं आपको एक बेसिक तरीका बता देता हूँ कि आप कैसे फाइल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, आप NSE की वेबसाइट पर जाइएगा। ठीक है, यहाँ से पहले 2 भाव कॉपी निकाल लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ 2 दिन के डेटा से बता रहा हूँ, आप यही चीज़ वीकली डेटा पे कर सकते हैं, मंथली डेटा पर कर सकते हैं, ईयरली डेटा पर कर सकते हैं, क्वार्टरली डेटा पर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कोई भी 2 दिन का डेटा उठा के बता रहा हूँ। तो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मान लो मुझे मंडे के लिए अपने स्टॉक सिलेक्शन करना है, तो मेरा तरीका क्या है, मान लो मेरे को ये करना है कि मुझे ये देखना है कि कौन से स्टॉक में डिलीवरी बढ़ी और वॉल्यूम बढ़ी। हालांकि आज के जो फ्राइडे का जो सेशन रहा था उसके हिसाब से तो सब में डिलीवरी बढ़ी है, सब में वॉल्यूम बढ़ी है, तो हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते, बट एवरीडे इट्स नॉट पॉसिबल कि ये सब होगा। तो आपको वो तरीका आ जाएगा, तो आप उसके बेसिस पर अपने स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स में जाइए, इक्विटीज में जाइए। ठीक है, प्रोडक्ट इक्विटीज में गए, हिस्टोरिकल डेटा, उसके बाद ये देखिए सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम, सिक्योरिटी वाइज हाई लो आर्काइव्स, बल्क डील्स, हिस्टोरिक। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब अच्छा, ये मंथली हाई लो का बन गया, एक मिनट, मैंने इसका सेव किया हुआ है बाप कॉपी। आर्काइव्स वाला निकालना था, सिक्योरिटी नहीं, आर्काइव्स वाला, सॉरी,
मैं इस लिंक को दे दूंगा आपको डायरेक्टली, तो आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पर ये लिंक कॉपी किया है डिलीवरी वॉल्यूम की फ़ाइल निकालने के लिए और वॉल्यूम की फ़ाइल निकालने के लिए, तो आप लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर गए, रिपोर्ट सेलेक्ट किया, भाव कॉपी, डेट 20 तारीख का, गेट डेटा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ऐसे एक फाइल ओपन होगी। जैसे यहाँ पर मैंने पहले से ही 2 दिन का डेटा निकाल के रखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 फाइलें मैंने कॉपी की हुई हैं, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो ऐसे करके आप एक 20 तारीख का, फिर उसके बाद दोबारा जाकर 19 तारीख की फ़ाइल का गेट डेटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 19 सितंबर 2019 का डेटा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऐसे जिप फाइल आ जाएंगी, उनको आप एक्सट्रैक्ट कीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर फाइल दिख रही है, यहाँ पर फाइल दिख रही है, ऐसे 2 फाइल्स ओपन हो जाएंगी, ठीक है। 2 फाइल्स ओपन होगी। अब आप एक फाइल ऐसी बना लीजिए, ये फाइल ऑलरेडी ओपन है, ये वाली फाइल है, ठीक है, जिसमें आपको वो सब चीज़ें कॉपी करनी है। अभी मान लो ये ऐसे प्लेन फाइल है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या कॉपी किया, क्या कॉपी नहीं किया। तो मान लो पहले आपके पास फाइल ऐसे ओपन होगी, ठीक है। तो इसमें क्या किया आपने, मान लो ये वाली फाइल थी, पहले मैंने 19 सितंबर की फाइल को ओपन किया। अब मुझे मान लो निफ्टी 50 के स्टॉक्स के ऊपर काम करना है, तो आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स की लिस्ट वहाँ से निकाल लीजिएगा, मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो मैं उसी को चूज कर लेता हूँ। तो एक मिनट, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो। तो इसको मैंने किया कॉपी, तो ये निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स की लिस्ट है ये मेरे पास आ गई, और मैंने ये 19 सितंबर की नई सीट के अंदर इसको कॉपी कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पर 51 दिखा रहा है, काउंट है दिस इज 51, विच मीन्स कि यहाँ पे 50 स्टॉक है निफ्टी 50 के। फर्स्ट इज हेडर, तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, तो उसकी वजह से 51 कॉलम आ गए। मैं यहाँ पर गया और नया कॉलम जो M तक तो हमारे पास डेटा है, मैं N कॉलम में गया, इक्वल्स टू प्रेस किया, और यहाँ पर देखिए VLOOKUP दिख रहा है। आप लोगों को हो सकता है यहाँ पर ना दिखे, अगर आपने पहले VLOOKUP को यूज नहीं किया होगा तो यहाँ पर आपको हो सकता है सम दिखाई देगा, क्योंकि पहला सम का ऑप्शन होता है। तो जैसे मान लो आपको ऐसा दिखेगा, तो आप क्या कीजिएगा, जब आप इक्वल टू प्रेस करेंगे, इक्वल टू प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो ये एरो दिख रहा है छोटा सा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, मोर फंक्शंस में जाइए, यहाँ पर देखिए दिख रहा है टाइप ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू एंड देन क्लिक गो। आप इसको हटा दीजिए पूरे को, डिलीट किया, VLOOKUP मैंने लिखा और गो, ये यहाँ पर देखिए VLOOKUP आ गया, इसको ओके किया। ऐसा एक आपके पास बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसमें आपके पास 4 कॉलम है। पहले कॉलम में आपको क्या फिल करना है, जो वैल्यू आपको सर्च करनी है, मुझे इस स्टॉक का नाम सर्च करना है 20 microns, ठीक है। मैंने इसको चूज किया, टैप बटन प्रेस किया, कहाँ पर चूज करना है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में। तो मैंने इस पूरी वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया कि इसमें कहीं भी अगर ये नाम हुआ तो ये मेरे को बता दे। तो मैंने इस पूरी को यहाँ पर जाके देखिए, यहाँ पर आप ए के ऊपर लिखेंगे तो पूरी को सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिखाएगा Sheet 1 AA, Sheet 1 इज द सीट नेम, ये है, और AA मतलब ये रेंज है इसकी, ए वाली, ठीक है। उसके बाद टैब प्रेस कीजिए, ठीक है, उसके बाद आपको 1 प्रेस करना है और 0 प्रेस करना है, ठीक है, और ओके करना है। इसका मैं रीजन बता दूंगा आपको, अगर नहीं समझ आए तो। अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद कीजिए कि 1 और 0 प्रेस करना है लास्ट के सेकंड लास्ट कॉलम और लास्ट कॉलम में। ये वैल्यू आ गई NA, इसका मतलब है कि जो ये स्टॉक है ये 20 microns, ये निफ्टी 50 की लिस्ट में नहीं है, ठीक है। तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ें आप चूज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जब देखिए ये कर्सर यहाँ पर मोटा दिख रहा है, और यहाँ पर एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा आपको, स्केयर टाइप का है, डॉट तो नहीं कह सकते लेकिन स्केयर टाइप। इसके ऊपर आप ले जाएंगे, देखिए वो कर्सर का कलर ब्लैक कलर का हो गया, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका पूरा फॉर्मूला जो है वो कॉपी हो जाएगा सब कॉलम्स में। इसका मतलब जो आपने ये चीज़ की थी वो ये हर कॉलम के लिए करके यहाँ पर पेस्ट कर देगा, ठीक है। तो देखिए ये किसी सब में NA आया है, सिर्फ अडानी पोर्ट्स पे अडानी पोर्ट्स की वैल्यू आई हुई है। तो इसका मतलब अडानी पोर्ट्स निफ्टी 50 में है, और ये देखिए पहला स्टॉक है तो अडानी पोर्ट्स यहाँ पर आ गया। तो आपको आई होप कि VLOOKUP का मतलब समझ आ गया होगा।
उसके बाद अब हमें करना क्या है, अब हमें तो इस लिस्ट से सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स निकालने हैं। तो अब क्या कीजिए, यहाँ वन पर ले जाकर देखिए ऐसा एरो बन जाएगा, इसको ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, तो पूरे इसको सिलेक्ट कर लेगा। डेटा में जाना, फिल्टर पे क्लिक कर देना। इसके बाद फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ना ये LOV टाइप की एक वैल्यू बन जाती है, ठीक है। सबसे लास्ट वाले कॉलम में इस पर जाएंगे तो आपको जैसे उस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी। ये कर्सर को आप नीचे खींचना, NA को हटा देना, अनसेलेक्ट कर देना, इसको अनचेक कर देना, ये ऐसा कुछ बचेगा। देखिए अभी कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 63, लेकिन हमारे पास तो 50 वैल्यूज हैं, और एक चलिए हेडर को वैल्यू लगा लेते हैं तो 51 आनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कुछ और गड़बड़ है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज में जाइए, जो बी कॉलम है इसमें भी वैसे ही उसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब की बार सिलेक्ट ऑल को अनचेक कर दीजिए, इससे क्या होगा कि जितनी भी वैल्यूज है सब अनचेक हो जाएंगी। और जो दूसरे नंबर पर EQ है इसको सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर दीजिए। अब देखिए 50 वैल्यूज आ गई, ठीक है। इसका मतलब निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक थे वो आ गए हमारे पास। अब क्या करना है आपको, ये सारी वैल्यूज कॉपी किया, पूरा का पूरा सिलेक्ट किया आपने, और इसको कॉपी कर लीजिए Ctrl+C, एक नई फाइल में पेस्ट कर लीजिए, नई फाइल यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट किया, सेम मैंने ये 19 तारीख का है, आपको पता कैसे चलेगा 19 तारीख का है, यहाँ पर टाइम स्टैम्प लगा हुआ होता है, ठीक है। 19 तारीख का हो गया, हमें M कॉलम की ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। आपको सेम चीज़ 20 तारीख पे करनी है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद रहे। ये मैंने फाइल को ओपन किया 20 तारीख की को, निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक्स थे इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, 20 तारीख की फाइल में मैंने इसको पेस्ट किया तो पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं गया N कॉलम में, इक्वल टू प्रेस किया, VLOOKUP आपको यहाँ पर दिखने लगेगा क्योंकि आप एक बार यूज कर चुके हैं। इस वाले कॉलम को मुझे सर्च करना है, टैब प्रेस किया, यहाँ पर मुझे सर्च करना है इस वाले के अंदर, उसको पूरे को सिलेक्ट किया, टैब प्रेस किया 1, टैब प्रेस किया 0 और एंटर प्रेस करते ही NA आ गया। इसको पूरे में कॉपी किया, नंबर 1 को सिलेक्ट किया पूरे को, डेटा में गया, फिल्टर पे क्लिक किया, यहाँ वाले एरो पे क्लिक किया, लास्ट में ले जाके NA को अनचेक कर दिया, ये मेरे पास 63 आ गए। बी कॉलम पर गया, सिलेक्ट ऑल को अनचेक किया, EQ को ओके किया, और अब मेरे पास पूरे 50 स्टॉक आ गए। इसको मैंने कॉपी करके Ctrl+C करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, जिस फाइल में मुझे सब कुछ मेंटेन करना है, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये पहले लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, पहले मैंने एक्चुअल में ये रिकॉर्डिंग की थी, पहले वॉल्यूम नहीं आया, मैं दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए शायद ये डिले भी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आप गए, अब देखिए अब क्या होगा, ये 19 सितंबर की फाइल है और ये 20 सितंबर की फाइल है, तो मैंने 20 सितंबर की को इधर रखा हुआ है, 19 सितंबर की को इधर रखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर जाकर थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँगा पहले तो, ताकि मेरे को ये पता रहे कि ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये मेरे लिए हो रहा है, अलग से एनालिसिस है फाइल से हटकर। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वॉल्यूम, अब मैं पहले आपको ये सब चीज़ें समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो ये हेडर्स हैं इनके मीनिंग क्या है। सीरीज आपको पता है, इक्विटी BSE में इसमें बहुत सारी सीरीज आती हैं, आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं, सॉरी ये देखिए, ये BE, BL, BT, D1, D2, E1, E2, E3, EQ, हमें EQ चाहिए होता है तो हम EQ को रखते हैं, ठीक है। ओपन, आज के दिन का ओपन प्राइस क्या रहा। हाई, आज के दिन का हाई क्या प्राइस था। लो, आज के दिन का लो प्राइस क्या था। क्लोज, आज के दिन का क्लोज प्राइस क्या था। लास्ट, आज के दिन का लास्ट प्राइस क्या था। क्लोज और लास्ट में क्या डिफरेंस है, क्लोज प्राइस लास्ट 30 मिनट्स का एवरेज होता है, लास्ट प्राइस जो 3:30 पे लास्ट ट्रेड हुआ था उसकी वैल्यू होती है। प्रीवियस क्लोज, ये 20 सितंबर की है तो 19 सितंबर को जो क्लोज था वो कितना था, तो आप यहाँ पर इसको चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए 19 सितंबर का क्लोज था 202.5, यहाँ पर एक मिनट, पावर ग्रिड,
201.15 ये था प्रीवियस डे का क्लोज, तो ये यहाँ पर कॉपी हो जाता है अगले दिन। टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, टोटल ट्रेडेड वैल्यू इस क्वांटिटी को अगर हम इस प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो इतना ही कुछ आएगा, तो कितने पैसे में वो वैल्यू थी। और स्टैम्प, टाइम स्टैम्प, किस दिन की हमने फाइल निकाल रखी है। टोटल ट्रेड्स, कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए, ठीक है, ये सब इन कॉलम्स का मीनिंग है। अब मुझे करना क्या है, मैं मान लो वॉल्यूम का करता हूँ इस फाइल में। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो भाव कॉपी होती है उसके अंदर डिलीवरी वॉल्यूम्स नहीं आती हैं। अगर आपको डिलीवरी वॉल्यूम्स चाहिए तो आपको डेली यहाँ पर जाकर इस फाइल को फुल डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आपको डिलीवरी वॉल्यूम मिलेगी। अदरवाइज डिलीवरी वॉल्यूम भाव कॉपी में नहीं होती है और उसको बाद में डाउनलोड करने का कोई तरीका भी नहीं होता है। सिर्फ एक तरीका है, फिर आपको यहाँ पर आकर एक एक स्टॉक को डालना पड़ेगा, उसकी डिलीवरी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी और फिर एक्सेल फाइल में कॉपी करनी पड़ेगी। तो आपके लिए ये डेली एक होमवर्क हो सकता है, आप अपने लिए होमवर्क समझ सकते हैं इसको, नॉट गिवन बाय मी। शाम को 6:30 बजे फाइल अपलोड हो जाती है, 6:30 बजे करीब जाइए, फुल डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, फाइल आपके पास सेव हो जाएगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप इस लिंक को सेव कर सकते हैं, ठीक है। और वो फाइल कुछ ऐसी होगी, मैंने डाउनलोड की हुई है फुल फाइल को, तो ये देखिए सेक्टर भाव डेटा को फुल है, ये देखिए टोटल डिलीवरी क्वांटिटी और डिलीवरी परसेंटेज, ये दोनों कॉलम उसके अंदर नहीं होते हैं अपनी भाव कॉपी के अंदर, ठीक है। तो बेटर है कि आप यहाँ से ले लें इस फाइल को डाउनलोड करें, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको फिर भाव कॉपी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर आ गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि कल के कंपैरिजन में आज वॉल्यूम्स ज़्यादा थी कि कम थी। सिंपल, मैं मान लो प्राइस एक्शन जो लोग करते हैं तो वो वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है प्राइस वॉल्यूम में। उस केस में क्या करना पड़ता है, सिर्फ आपके देखना पड़ता है कल के कंपैरिजन में वॉल्यूम ज़्यादा था कि कम था। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वल प्रेस किया 20th मतलब आज का, तो ये टोटल ट्रेडेड वैल्यू, ठीक है, सॉरी टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, इसको मैंने चेक कर दिया। देखिए यहाँ पर आ गया 3 I3 में ये वैल्यू है, I3 आ गया। डिवाइड का सिंबल जो शिफ्ट के साइड में है यहाँ पर होता है क्वेश्चन मार्क के नीचे, ठीक है। और पहले दिन का वॉल्यूम, मैं अगर मान लो आज शाम को कर रहा हूँ, आज मान लो ट्रेडिंग हो चुकी है, तो आज का वॉल्यूम है वो 20 तारीख का और कल का वॉल्यूम था वो 19 का था, तो वो किया और एंटर, ठीक है, एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद ये वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या किया, देखिए आप इस कर्सर को अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ थिक वाइट कलर का कर्सर दिख रहा है जो ये मूव हो रहा है, और यहाँ पर एक देखिए इस कॉर्नर में ये लाइन थोड़ी सी मोटी है, इसके ऊपर आप जैसे ही लेके जाएंगे तो ये एकदम बारीक कर्सर हो जाता है, इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए तो इससे क्या होगा कि जो फॉर्मूला आपने लगाया है वो पूरा कॉपी हो जाएगा पूरी शीट में। देखिए जब मैंने ये फाइल को पहली बार बनाया तो ये शॉर्ट की थी मैंने, क्योंकि पहली बार में मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, तो अभी ये शॉर्टेड है, अदरवाइज आपको ये ABCD के हिसाब से जो आपके स्टॉक्स होते हैं उसमें आता है। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा एक्चुअली में शॉर्टेड है कि किस में सबसे ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम आया था, ठीक है, तो उस हिसाब से ये शॉर्टेड है, ठीक है। अभी मान लो देखिए मुझे अब फ्राइडे का दिन तक एक्सेप्शनल था मतलब सब में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। देखिए कोई भी सिंगल स्टॉक नहीं है निफ्टी 50 का इसमें वॉल्यूम इंक्रीज ना हुआ हो, ठीक है, लेकिन डेली ऐसा नहीं होता है। डेली जब आप लोग करने लगते हैं तो आपको हार्डली 10 से 12 स्टॉक ही मिलेंगे जिसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप डिलीवरी को भी चेक करेंगे तो 2-4 स्टॉक उसमें से निकल जाते हैं, प्राइस को चेक करेंगे तो 2-4 स्टॉक उसमें से निकल जाते हैं, तो आपको हार्डली 5-6 स्टॉक मिल जाएंगे डेली, ठीक है। और 5-6 स्टॉक इनिशियली बहुत ज़्यादा होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मैं आज भी मुश्किल से 4 या 5 स्टॉक ही एनालाइज कर पाता हूँ, और उनमें से मोस्टली जो पेट स्टॉक्स होते हैं मैं उनको मोस्टली प्रेफरेंस देता हूँ। पेट स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, जैसे HDFC बैंक हुआ, रिलायंस हुआ, TCS, इन्फोसिस, मतलब जो आप लोगों के एक फेवरेट लिस्ट में ऐड नहीं हो जाते हैं वो वाले स्टॉक्स हम पेट स्टॉक्स बोलते हैं, जिनको आप डेली चेक करते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि वो उस लिस्ट में आते हैं कि नहीं आते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल जो HDFC बैंक था, HDFC बैंक
जो हमने फ्राइडे को ट्रेड किया था, HDFC बैंक दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। फ्राइडे को इसको ट्रेड किया गया था, काफ़ी अच्छा स्टॉक था ये। इसको बाई किया गया था, हॉरिजॉन्टल लाइन में मार्क लेता हूँ, 1108.25 पर। मैंने इसको 1108.25 पर इसमें एंट्री बनाया था, लेकिन मेरा जो स्टॉक में मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, वो मुझे 1112 के ऊपर जाकर मिला वो, ठीक है। टारगेट था मेरा 1132, लेकिन जैसे ही वो न्यूज आई मैंने इस लेवल के हाई के ऊपर लगा दिया, तो मुझे कुछ 38 पॉइंट्स मिले थे। तो मैंने शायद 1150 का टारगेट कुछ इसमें लगाया था उस न्यूज़ की वजह से, कि इतना तो शायद मिल ही जाएगा, ठीक है। ये था, और इसका लेवल मुझे पता था और बैंक निफ्टी ने भी इसको कंफर्म किया था, तो इसलिए स्टॉक को लिया गया। और जो स्टॉक मैंने, आप सोच सकते हैं कि ऐसे ही ले लिया, ऐसे ही ले लिया मतलब कि मैं ऐसे बैठ के जब देखने लगा कि कौन सा स्टॉक गिर रहा है, तो गिर कोई भी नहीं रहा था, लेकिन जब वो न्यूज़ आने से पहले बजाज फाइनेंस सबसे नीचे चल रहा था, ठीक है। तो मैंने बस इस स्टॉक का क्या देखा, इस स्टॉक ने लास्ट रेजिस्टेंस जो बना के गिरा था मैंने उसको पिक किया। तो इसने एक तो पहला मॉर्निंग में रेजिस्टेंस बनाया था, ये वाला बनाया था, ठीक है। लेकिन मैंने इसको यहाँ पर पिक कर लिया था क्योंकि HDFC बैंक बहुत ऊपर निकल गया था तब तक, और अपना बैंक निफ्टी भी काफ़ी। तो मैंने इसको कुछ 3310 या 12 के ऊपर कुछ इसका बाई ऑर्डर लगाया था, और मैंने 3500 का टारगेट लगाया था। 3500 का रीजन ये था, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, ये वाला कुछ टारगेट था, इसमें 35-36 है, लेकिन मैंने 35 तब ये कैंडल बना था, तो मैंने 3500 का टारगेट लगा के छोड़ दिया था कि 35 इज आई थिंक इनफ। ये वाला कैंडल था 3500 था, 35 कुछ एग्जैक्ट 200 पॉइंट्स थे बजाज फाइनेंस में, मुझे एकदम वो एग्जैक्ट याद नहीं है। और मेरे इस वाले में तो अभी वो हट भी गया, एक्चुअली मैं ट्रेडिंग भी इस वाले में नहीं करता, ये मेरा अकाउंट है, मैं ट्रेडिंग अपनी वाइफ के अकाउंट में करता हूँ, तो इसमें वो दिख भी नहीं सकता। वो 35-12 के आसपास भी इसकी एंट्री कुछ बनी थी, 3312 के आसपास, और एग्जैक्ट 200 पॉइंट्स लेकर मैं इसमें से एग्जिट हुआ था। और HDFC बैंक में मुझे मिले थे कुछ 38 पॉइंट्स, या आई रिमेंबर 38 पॉइंट्स मिले थे, और इसमें कुछ 200 पॉइंट थे। टाइटन में भी मुझे 30 पॉइंट कुछ मिले थे, 20 या 30 मिले थे आई थिंक, 28 कुछ थे, ठीक है। तो एक्चुअली में इन स्टॉक्स को ट्रेड करने का रीज़न ये है कि हमारे, मतलब ये मेरे पेट स्टॉक्स है, इनको मैं डेली एक बार देख ही लेता हूँ कि इनमें क्या हो रहा है, अच्छा कल इसमें कुछ पोजीशन बन सकती है कि नहीं बन सकती है, तो उस हिसाब से भी हम इन स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। लेकिन जो एक्सेल के हिसाब से निकल के आते हैं, ठीक है, वो स्टॉक्स को मैं कम से कम 25 से 30 मिनट ज़रूर देता हूँ ताकि मैं उनके लेवल्स को समझ सकूँ, एक्सेप्ट कि अगर मेरा स्टॉक वहाँ से ना आया हो, जो मेरे पेट स्टॉक्स हैं वो ना हो, ठीक है। तो इसलिए ये एक्सेल फाइल के जो स्टॉक्स होते हैं उनको आपको एक एक स्टॉक को एनालाइज कीजिए, और कम से कम स्टॉक लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपने 10 स्टॉक ले लिए, क्योंकि आप 10 स्टॉक्स को मॉनिटर भी नहीं कर पाएंगे। अभी मैं फॉर एग्जांपल आपको अपनी फाइल दिखाऊं, तो ये फाइल देखिए मैंने इसमें कितना मॉडिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है। ये काफ़ी टाइम में बनी थी, इसको 2 से 3 महीने लग गए थे बनने में, इसको मॉडिफाई करना, कुछ चीज़ों को हटाना, ऐड करना, वो सब चीज़ें करते करते इसमें 2 से 3 महीने लग गए थे, ठीक है। तो मतलब मेरा एक जो छोटी सी अगर मैं सजेशन दूं, आई होप कि मैं दे पाता हूं, तो आप लोग उस चीज़ को थोड़ा सा समझें कि एक चीज़ का गुलाम मत बनिए, चाहे फिर कोई स्ट्रेटेजी हो, फिर चाहे एक्सेल फाइल हो, कुछ भी हो, सिर्फ उस चीज़ के, आपके पास कम से कम 2-3 मेथड होने चाहिए कोई भी स्टॉक को ट्रेड करने के, ठीक है। और कम से कम भी नहीं तो एनालिसिस तो बहुत मैंडेटरी है, अगर आप एनालिसिस नहीं कर पाए रात को, तो उससे अगले दिन सिर्फ मार्केट को वॉच कीजिए, मार्केट को वॉच करना भी एक ट्रेडिंग ही होती है, ठीक है। तो ये तो था एक्सेल फाइल का, तो आप लोगों को मैंने वॉल्यूम बताया, ऐसे ही आप यहाँ पर डिलीवरी का भी ऐड कर सकते हैं कि डिलीवरी इसमें है नहीं, डिलीवरी की फाइल, अच्छा डिलीवरी की फाइल निकालने के लिए मैं बता दूँ आपको, डिलीवरी की फाइल आप कहाँ से निकाल सकते हैं, इसका लिंक मैं दे दूंगा, डिलीवरीबल्स वाली इसमें चाहिए फुल डाउनलोड, यहाँ पर करके आप फुल डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एक ऐसी फाइल मिलेगी, ठीक है।
ये जो फाइल है इस ये जो वहाँ से डाउनलोड हुई थी ये वाली फाइल है, इसको आपको डेली डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज डाउनलोड की कल डाउनलोड नहीं की परसों की, क्योंकि आप इसको फिर कहीं से भी नहीं ले सकते। फिर आपको एक एक स्टॉक की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, डिलीवरी वॉल्यूम, और वो पेस्ट करनी पड़ेगी एक्सेल में, और वो बहुत टफ हो जाता है। अगर आप निफ्टी के 150 स्टॉक्स को लेकर काम करते हैं तो 150 स्टॉक्स को एक एक को कॉपी करने में अगर आप 10 सेकंड भी लगाते हैं सर्च करके, तो सोच सकते हैं 1500 सेकेंड हो जाते हैं। 1500 सेकेंड बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से डिलीवरी की फाइल को निकाल लीजिए, और आप इस फाइल को डेली अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको भाव कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाव कॉपी में जो कॉलम्स हैं वो सारे कॉलम यहाँ पर एडेड है, ठीक है। तो आपको वो सब चीज़ भाव कॉपी की अकेले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सेल का। इसके अलावा अगर आपको एक्सेल में कुछ और चाहिए हो या कोई भी फॉर्मूला वगैरह आपको पता करना, तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। आजकल यूट्यूब काफ़ी अच्छा एक मीडियम है, तो आपको कोई भी फॉर्मूला समझना है तो आप वहाँ से निकालिए, ठीक है। और उसके अलावा इसमें वॉल्यूम का था, प्राइस का था, और निफ्टी 50 के स्टॉक्स कैसे निकाल सकते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। हालांकि मैंने एक पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, आप इसके लिए आप सिर्फ लाइव मार्केट में इक्विटी स्टॉक्स में जाइए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, ठीक है, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स हैं। आप इनको यहाँ पर जाकर डाउनलोड इन CSV कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड इन CSV करेंगे तो ये पूरी फाइल आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स को निकाल सकते हैं। वो निकालना आपके लिए हर क्वार्टर में एटलीस्ट मैंडेटरी है, क्योंकि स्टॉक अक्सर चेंज होते रहते हैं। जैसे अभी आपको पता होगा कि इस मंथ के बाद आईबुल जो है वो निफ्टी 50 में ट्रेड नहीं होगा और उसकी जगह नेस्टले आ जाएगा। तो इसलिए आप ट्राई कीजिए कि लेटेस्ट कॉपी हमेशा अपने पास रखें। महीने के बीच में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो एक महीने तक, आप दो महीने तक वो चीज़ों पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बट फिर भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो बेटर यू डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एंड पेस्ट इट, ठीक है। तो ये मेरी फाइल थी, मैंने आपको दिखाई। आप भी ऐसी फाइल बना सकते हैं। इसमें मेरे को मैंने थोड़ा सा रंगीन बना रखा है, कलरफुल है एकदम, और इसको ऑटोमेट किया हुआ है। इसमें मुझे सिर्फ ये काम करना होता है कि डेली में जाके सिर्फ इसको पेस्ट करता हूँ मैं, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाती हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई और सजेशन है या कुछ और आपकी पर्टिकुलर डिमांड है कि उस टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा आपके लिए। आज शाम को एक और वीडियो आएगा। आज शाम को कहने का मतलब इसलिए क्योंकि संडे हो गया है, मैं ये वीडियो को तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। पता नहीं वॉल्यूम का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मिल सकता है, क्योंकि मेरे को बार बार देखिए यहाँ पर चेक करना पड़ रहा है कि ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। शायद जो प्लग था उसमें कुछ स्पार्क हो रहा है आज बार बार। तो ये तीसरी बार, तो मैंने आधी वीडियो पहले रिकॉर्ड की, उसकी देखिए रेंडरिंग चल रही है, और ये दूसरी दोबारा से 10 मिनट की हो गई है। तो आई होप कि ज़्यादा बड़ी ना हो, 25 से 30 मिनट से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए वीडियो, वरना उसको देखने में मज़े नहीं आते। तो सॉरी, दिस इज़ माय पर्सनल चॉइस कि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी सजेशन या सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज रीचेबल। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कॉल करने से पहले मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मेरा जो नंबर यहाँ पर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, दैट इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। आप पहले मुझे वहाँ पर व्हाट्सएप कीजिए ताकि मैं आपको टाइम बता सकूँ कि आप मुझे किस टाइम पर कॉल कीजिएगा, क्योंकि मोस्टली कई बार क्या होता है, मीटिंग्स होती हैं वहाँ पर, बार बार कॉल आते हैं तो डिस्टर्बेंस होती है, तो यू अंडरस्टैंड कि वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है उस टाइम पर। मैसेज कीजिए, जैसे ही मैं आपका मैसेज चेक करूँगा, आई विल लेट यू नो कि व्हाट्स द टाइम दैट यू कैन कॉल मी और एट व्हाट टाइम आई एम फ्री। आप उस टाइम पर फ्री होंगे तो कॉल कर सकते हैं, और बाय चांस मैंने उस टाइम पर आपका कॉल अटेंड नहीं किया जो मैंने टाइम दिया था, तो आई विल मेक श्योर कि आई विल कॉल यू बैक। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी आपका सजेशन है या सुझाव है या कोई भी आपको नया टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि वीडियो बने, तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स और मैसेज मी, ठीक है। ये आपकी जो वॉल्यूम आ रहा है, सॉरी। तो आपकी जो भी कोई भी क्वेरी है आप मुझे वहाँ पर डालिए, आई विल ट्राई टू क्लियर इट। तो आई होप कि आप लोगों का लर्निंग है वो अच्छे से हो रहा होगा, हालांकि थोड़ा सा तो आप समझ सकते हैं कि रेगुलर नहीं है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट मोर रेगुलर।
ताकि आप लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।